अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं शाह लतीफ टाउन सेक्टर 17C की रिहायशी हूँ। कल मैं अपना बिल जमा करवाने गई थी तो मेरा बिल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे बिलिंग ऑफिसर जो बैठे हुए थे, शेर आलम नाम था उनका, जब मैंने उन्होंने कहा कि आपने मेरा बिल बहुत ज़्यादा भेजा है तो प्लीज़ इसे कम कर दें, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करें, फ्रेंडशिप करने के बाद आपकी यानी हर बात मानी जाएगी। जब मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करें और आप ये कम कर दें, तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया, जब मैं उठ के जाने लगी तो उन्होंने मेरा अबाया पकड़ के खींच लिया, खींचने के बाद उन्होंने मेरा अबाया फाड़ दिया, मुझसे कहने लगे कि अगर आप मेरी कहना नहीं मानोगी तो आप नुकसान में रहोगी, वो मुझे धमकियां देने लगे, उनके साथ दो बंदे और बैठे हुए थे वो भी मौजूद थे वहाँ पे। फिर मैं वहीं से सीधा शाह लतीफ टाउन थाने गई हूँ, वहाँ जाके एप्लीकेशन देने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर बैठ जाएं, जब मैं वहाँ बैठी तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वो लोग भी वहीं पहुंच गए थे, वो तीन बंदे जो साथ में बैठे हुए थे शाह आलम के साथ, वो भी वहाँ गए, उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते उन्होंने कहा कि हम आप कहीं भी चले जाओ और है ना आप कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती, तो मैं वहाँ रोने लगी, मैंने शाह लतीफ थान टाउन वालों को कहा कि प्लीज़ आप मेरी कंप्लेन लें और मेरा साथ दें, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे, एक कंप्लेन मैं वहाँ लेकर गई थी, ले जाने के बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया लिखने से, मैं वापस आ गई हूँ। अब मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मीडिया से, आईजी सिंह से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए और उन दरिंदों से मुझे बचाया जाए, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और बहुत कुछ मुझे बोल रहे हैं, प्लीज़ 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 मीडिया, आईजी सिंह, चीफ जस्टिस साहब, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और मेरी रिक्वेस्ट जो है सुनी जाएगी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कुछ भी करके प्लीज़ मुझे उन दरिंदों से बचाया जाए, थैंक यू।